हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारा स्वाद विहार का क्लाउड किचन ऑपरेट करता है और कैसे हम खाना ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर डिलीवर करते हैं, पैक करते हैं, सब आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी टाइम हो रहा है 4:28 और हमारा क्लाउड किचन स्टार्ट हो जाता है 5 बजे के करीब। तो 5 बजे से देखते हैं आज कितने ऑर्डर आते हैं, जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं 5 बजे जब मैं क्लाउड किचन स्टार्ट करूँगा। तो हम स्विगी पे अब लाइव हो चुके हैं, तो मैं दिखाता हूँ कैसा दिखता है स्वाद बिहार का। अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, बट यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो अभी हम लाइव हैं, अब देखते हैं जोमेटो पर कैसे होते। देखिए टाइम भी हो गया है 5 मिनट, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। हाँ ये देखिए 5:01, हम जोमेटो को लाइव करते हैं। ये हमारा आउटलेट है, ये देखिए स्वाद बिहार का। अब इस पर लाइव जाते हैं, ये ऑनलाइन हो गया हम लोग का। तो अब ऑर्डर आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सब प्रोसेस किया जाता है। तो मिलते हैं ऑर्डर आने पे। तो अभी हमारे पास एक ऑर्डर आया है, एक घर का चिकन, 2 आलू पराठा। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रिपेयर किया जाता है ऑर्डर। प्रोसेस कैसे बनाया जाता है। तो ये ऑर्डर था हमारा आलू पराठा और चिकन का। तो ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होता है यहाँ पे, और अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:10। तो पहला ऑर्डर हो गया, अब देखते हैं आज के कितने ऑर्डर आते हैं। मैं 1-2-3 ऑर्डर और आपको दिखा दूँगा, उसके बाद लास्ट में बताऊँगा कि आज की अर्निंग क्या हुई, देखते हैं क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर पिकअप हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ पिकअप। यहाँ पे हम लोग का जो ऑर्डर था घर का चिकन एंड 2 आलू पराठा, ये पिकअप हो चुका है। यहाँ पे रेटिंग दे देते हैं ड्राइवर को। इसमें 2 मिनट लेट हो गया था वीडियो बनाने में, मुझे थोड़ा देरी हो गया। अब देखते हैं यूनिफॉर्म इसका था, हाँ भाई था। रेटिंग दे दो, पोलाइट बिहेवियर सबमिट। तो जोमेटो ऑप्शन देते हैं कि डिलीवरी बॉय जो होते हैं उनको रेटिंग देने का, रेस्टोरेंट की तरफ से कस्टमर भी दे सकते हैं, रेस्टोरेंट भी दे सकते हैं। तो हमारा पहला ऑर्डर कंप्लीट और हमने कमा लिए 187 रुपीज़। इसमें शायद कुछ कूपन्स लगे थे इसलिए दाम थोड़ा कम हो गया, बट कोई बात नहीं, पहला ऑर्डर था। देखते हैं आगे कितने ऑर्डर आते हैं आज। तो अभी हमारे पास 2 ऑर्डर और आए हैं, टाइम हो रहा है 6:39। ऑर्डर है लिट्टी चोखा, काली घुगनी, समोसा, ये सारे काफ़ी बड़े ऑर्डर है देख सकते हैं। दूसरा ऑर्डर है 1 प्लेट लिट्टी चोखा का। तो देखा आपने, जैसे 2 ऑर्डर मैंने आपको दिखाए, आप देखते हैं कि ये प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अभी तक मैंने जैसे आपको दिखाया लिट्टी चोखा वगैरह सब बनने चला के, मैंने दिखाया कि कैसे पैक वैक होता है।
और मैंने घुगनी को, काली घुगनी जो थी वो गर्म करने डाल दिया, मतलब ओवन में डाल दिया। और एक्चुअली मुझे थोड़ा काम आ गया, इसलिए मैं आगे का पार्ट अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। बट नेक्स्ट ऑर्डर जो आएगा उसके बाद से मैं स्टार्ट करूँगा फिर से रिकॉर्ड करना। अभी मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, इसीलिए इतना दूर पे रखते हैं। कोई नेक्स्ट ऑर्डर आएगा उधर से आपको फिर से स्टार्ट करूँगा। तो अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है, बहुत देरी हो गया, तब तक काफ़ी ऑर्डर आ चुके थे जो मैं कवर नहीं कर पाया। तो दिखाता हूँ आपको कौन कौन से ऑर्डर अभी तक हमने भेज दिए हैं। अभी तुरंत एक और ऑर्डर आया है, बट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर हमें सबसे फर्स्ट में मिला था, जो कि घर का चिकन और आलू पराठा दो चीज़ था। उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ तक दिखाया था, काली घुगनी वगैरह जो प्रिपेयर हो रहा था, मैं उसके बाद फिर काम में लग गया था। उसके बाद फिर हमें एक दो और तीन, अभी उसके बाद तीन ऑर्डर और लाइनअप में थे। तो ये तो जोमेटो का था, स्विगी पे भी हमें एक ऑर्डर आया था, वो देखते हैं। ये देखिए, ये भी पिकअप हो चुका है, मतलब डिलीवर तो नहीं हुआ है। इसका भी ऑर्डर वैल्यू देख लीजिए, 473। तो बने रहिए, देखते हैं कि आज के दिन में कितना ऑर्डर टोटल मिलता है। एंड में मैं आपको बताऊंगा टोटल आज की अर्निंग जो भी हुई है, इस पूरे वीक की अर्निंग भी आज ही मैं बता दूंगा। संडे को वीक ख़त्म हो जाता है, और इस डे की मतलब संडे को कितनी वैल्यू की ऑर्डर गई है, टोटल अर्निंग संडे की वो भी बता दूंगा। तो वीक की फाइनली 12 बज गए हैं, 12 पूरे बज चुके हैं, और हमारा आउटलेट अब क्लोज़ हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 12:01 हो चुके हैं, और देखते हैं आज का क्या अर्निंग हुआ है। 11 ऑर्डर हमने आज डिलीवर किए हैं, टोटल संडे का दिन था। काफ़ी ऑर्डर पे 5 स्टार भी आए हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज का कमाई, मतलब अर्निंग कितना हुआ। तो आज का अर्निंग यानी कि 29 जनवरी 2023 में हमें आज के दिन 2957 2957 रुपया अर्निंग हुआ है। इस वीक मतलब 23 से 29, मंडे से संडे का वीक था, उसमें 11,242 रुपया। तो आज की अर्निंग 2957 जोमेटो से हुई है। चलिए स्विगी पे देखते हैं स्विगी से कितना हुई है। 29 तारीख की अर्निंग देख सकते हैं आप सब, 802 रुपये स्विगी पे। स्विगी पे आज कम अर्निंग हुई है। तो यहाँ पे 2957 मतलब 3,000 के अप्रोक्स इधर, और 838, तो टोटल आज की अर्निंग हमारी जोमेटो पे अप्रोक्स 2950 रुपये, और स्विगी पे 800, मतलब अप्रोक्स 3700 से 3800 के बीच, शायद 3700 to 3800, 3800 के बीच आज की अर्निंग रही हमारी। तो ये था आज का दिन पूरा, मैंने आपको सब दिखाया कि कैसे हम खाना प्रिपेयर करते हैं, भेजते हैं, डिलीवर करते हैं। उसके बाद फिर कस्टमर से बात भी किया था मैंने कई बार कि अगर आपको खाना अच्छा लगे तो प्लीज़ रिव्यू वगैरह दे दें। तो काफ़ी कस्टमर के रिव्यू भी आ गए हैं। तो ऐसे ही हमारा डेली का बिजनेस चलता है। आज संडे था तो आज ठीक ठाक अर्निंग हो गई है। ऐसे डेली का भी ऐसे ही रेंज रहता है। आज थोड़ा संडे था, फिर भी थोड़ा डाउन था आज, बट अप्रॉक्स अपना महीना को उतना हो जाता है। तो ये था हम लोग का पूरा एक दिन का व्लॉग, जैसा कि बहुत लोग बोल रहे थे कि एक व्लॉग बनाने कि कैसे घर से क्लाउड किचन ऑपरेट होता है।
तो आपने देखा जैसे कि कोई भी मतलब एक आदमी एक लड़का बस हमने रखा है पैकिंग वगैरह के लिए। अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि इतनी अच्छी अर्निंग हो जाए आपकी भी, तो क्वालिटी भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। तो क्वालिटी हमेशा मेंटेन करिए, और इससे क्या इससे ज़्यादा भी आप कमा सकते हैं। एरिया पे डिपेंड करता है, हम जिस एरिया में सर्व करते हैं वहाँ पे अभी उतने लोग ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते हैं। अगर आप यही चीज़ अगर अच्छे जगह अच्छे एरिया पे करोगे तो शायद ये जो 3-4 हज़ार है ये आपका 7-8 हज़ार डेली का हो जाए। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। किसी की अगर हेल्प हो जाए, घर से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो आगे भी आते रहेंगे। और अगर कुछ आपका सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हो सके तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बना देंगे। और कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमें इंस्टा पे DM करिएगा, इंस्टा का हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।